हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर फिफ्थ आपका लॉज ऑफ मोशन है और अच्छी बात है कि इस बार इस चैप्टर से बहुत कुछ सिलेबस में कट किया गया है और थोड़ा सा ये छोटा हो गया ये चैप्टर, ठीक है, ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए इस लॉकडाउन में। अब सबसे पहले जो टॉपिक हमें लर्न करना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। यहाँ भी वही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ना है हमें। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक बार रिकॉल करा दें आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है ये? मान लो कि कोई एक सिस्टम है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, एन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और उन सभी पार्टिकल्स के मासेज जो है m1 m2 m3 डॉट 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 अप टू mn है, और वो सभी पार्टिकल्स जो जिनसे मिलकर के वो सिस्टम बना हुआ है वो रेस्ट में नहीं है। ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। सपोज करो कि मास m1 इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, मास m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। डायरेक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम है। जैसे पहले पार्टिकल के पास मोमेंटम जो है p1 से डिनोट, p से डिनोट किया जाता है मोमेंटम को, जनरली स्मॉल p से। तो फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी मोमेंटम कितनी है? p1 इज इक्वल टू m1 v1। वैसे दूसरी पार्टिकल जो सिस्टम का एक पार्ट है उसकी मोमेंटम m2 v2, तीसरे पार्टिकल की मोमेंटम m3 v3 डॉट 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 करके, nth पार्टिकल की जो लीनियर मोमेंटम pn इज इक्वल टू वो होगी mn vn के बराबर, ठीक है। और मत भूलो कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर में तीर लगा रहेगा, p के ऊपर में भी तीर लगा रहेगा, और जब p इज इक्वल टू एम भी करके लिखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर तीर लगा रहेगा, मेरा मतलब एरो हेड, मेरा मतलब वेक्टर सिंबल, वेक्टर साइन जो होता है। तो खैर उसको लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी मैं ये समझा रहा हूं कि मान लो कि ऐसा कोई सिस्टम है जो n पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है ये समझ लो पहले, स्टेटमेंट मैं लिखूंगा बाद में। ये प्रिंसिपल कहती है, ये सिद्धांत कहता है कि यदि कोई सिस्टम जो है ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उस सिस्टम पर यदि कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगा रही हो, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की जो नेट मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि द नेट मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट और कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से जब तक कोई फोर्स ना लगे किसी सिस्टम पर, तब तक उस सिस्टम की नेट मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पहले इस स्टेटमेंट को लिख दूं कि इन द एब्सेंस ऑफ an external force, the net momentum of a system consisting of n particles remains constant or conserved in the absence of an external force, the net momentum, ये net word बड़ा important है, net मतलब total momentum of the system, net momentum of the system। हो सकता है कि सिस्टम को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनकी इंडिविजुअल मोमेंटम्स बदल रहे हो, ठीक है,
किसी पार्टिकल की, जो बहुत सारे पार्टिकल्स, उनमें से कुछ पार्टिकल्स की मोमेंटम घट रही हो सकती है, कुछ पार्टिकल्स की मोमेंटम बढ़ रही हो सकती है, ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, ये हो सकता है। लेकिन यदि बाहर से कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो पूरे सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स के मोमेंटम में उतार चढ़ाव हो रहा होगा लेकिन उनकी जो टोटल है ऑल द टाइम वो सेम रहेगी, ठीक है। टोटल मोमेंटम जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और हमेशा याद रखना कि जब मैं टोटल मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो वेक्टर सम ऑफ टोटल मोमेंटम की बात उठेगी, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टेटमेंट मैं रिपीट कर दूं, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द नेट मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पार्टिकल्स रिमेंस कॉन्स्टेंट और कंजर्व्ड, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये रहा स्टेटमेंट। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे भाई? तो प्रूफ, मान लो कि सपोज ए सिस्टम इज मेड ऑफ एन पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 कॉमा डॉट 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 mn, एन पार्टिकल्स के मास जो है ये ऐसे ऐसे करते हैं, एंड हैविंग वेलोसिटीज एंड हैविंग वेलोसिटीज v1, ध्यान देना वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, v2 vn रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये बताओ कि ऐसे सिस्टम की नेट मोमेंटम कितनी हो जाएगी? तो जैसा मैंने बताया पहले पार्टिकल की मोमेंटम p1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो नेट मोमेंटम मेरा मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज P is equal to, चाहे P रहने दो, P is equal to P1 plus P2 plus P3 dot 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 PN. N पार्टिकल्स के नेट मोमेंटम, सभी की मोमेंटम्स का, सभी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोमेंटम्स का वेक्टर सम हो गया, ठीक है। वी आर P इज द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की नेट मोमेंटम हो गई, ठीक है। अब ये बताओ कि ये P1 क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू, और हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, इसको इक्वेशन 1 कर देना, प्लस डॉट 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 प्लस MN VN। एक्चुअल में नेट मोमेंटम का मतलब ये इन सब के वेक्टर सम से है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तुमने जो पढ़ा है 9th क्लास में, उसी की बात अगर करें तो क्या कहता है ये, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है। लेकिन एक दूसरा फॉर्म भी है न्यूटन सेकेंड लॉ का, जो कि एफ इजिकल टू एम इंटू ए वाले फॉर्मूला से ही आता है, और वो है कि किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाहर से अप्लाइड फोर्स जो है किसी बॉडी पर, दैट इज इक्वल टू dp/dt द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, f = dp/dt, ठीक है। तो यहां पर P सिस्टम का मोमेंटम है नेट, मेरा मतलब P की वैल्यू P1 plus P2 ये सब है अप टू PN तक है। तो ये बताओ कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, दैट इज इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ?
तो ये बताओ कि एफ तो डीपी बाई डीटी के बराबर है, और यदि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पर, यानी कि यदि एफ की वैल्यू जीरो है तो इस डीपी बाई डीटी को भी जीरो होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज डीपी अपॉन डीटी है। यहां जब मैं पी कह रहा हूं तो मेरा मतलब सिस्टम की टोटल मोमेंटम से है, यहां पी का मतलब समझ लेना सिस्टम की नेट मोमेंटम, ठीक है। तो डीपी सिस्टम अपॉन डीटी विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा ये बताओ, ये तो लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशियल है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसी भी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि किसी कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो इफ डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो दिस इंप्लाइज पी सिस्टम की जो नेट मोमेंटम है दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट, अनचेंज्ड, कंजर्व्ड, इसका मतलब ये भी हुआ। और p की वैल्यू क्या है, p1 प्लस p2 या यूं कहो कि और m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो किसी सिस्टम पर जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे उसकी टोटल मोमेंटम जो है क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हो गया इसका प्रूफ, ठीक है, हमने साबित कर दिया। और इसको साबित करने के लिए हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन है उसकी हमने मदद ली है, ठीक है, और ये प्रूफ कर दिया। अब सवाल है कि क्या आम जिंदगी में इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो खूब एप्लीकेशन है इसका आम लाइफ में, आम जिंदगी में, खूब कॉमन लाइफ में खूब एप्लीकेशन है इसका। जैसे पहली एप्लीकेशन की ही बात करें, अगर मान लो कि फायरिंग हम कर रहे हैं, किसी गन से कोई बुलेट फायर किया जा रहा है, ठीक है, तुमने भी कभी ना कभी फायर किया होगा शादी ब्याह में, अपने मामा उमा के शादी में फायरिंग किया होगा कभी, तो तुमने महसूस किया होगा कि वो गन से जब फायर करते हो तो बुलेट तो आगे जाती है लेकिन गन पर जो है गन रिक्वायल होता है, यानी कि गन पर पीछे की ओर एक झटका लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये समझते हैं रिक्वायलिंग ऑफ गन। तो रिक्वायलिंग ऑफ गन एक ऐसी फेनोमेना है जिसको आम जिंदगी में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यदि गन उठाएं और फायरिंग कर दें, ठीक है, तब पता चलेगा कि गन जो है उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और गन की जगह अगर मशीन गन मिल जाए, तुमको मान लो एयरफोर्स में भर्ती हो गई, ठीक है, और मशीन गन चलाने के लिए मिल गया तुमको, मिलिट्री में भर्ती हो गई आर्मी में और मशीन गन धनाधन चलाने को मिल गया, तो जब मशीन गन से बुलेट को मारोगे ना, फायर करोगे, तो मशीन गन को जबरदस्ती होल्ड करके रखना पड़ेगा अपनी जगह पर, लूज पूज हाथ से पकड़े रहोगे तो जो है मशीन गन चला जाएगा पीछे, बात समझ रहे हो ना, तो बुलेट तो जाएगा आगे, मशीन गन चला जाएगा पीछे, इसलिए उसको होल्ड करके टाइटली पकड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पीछे की ओर एक झटका लगता है। पीछे की ओर क्यों झटका लगता है, अभी मैं समझाता हूँ। ऐसे तो तुम समझ सकते हो कि एक्शन का रिएक्शन भी समझ सकते हो, मशीन गन जो है, चाहे गन जो है बुलेट पर अपने खुद से एक फोर्स लगाया तो बुलेट गए आगे, ठीक है, लेकिन बुलेट जो है एक रिक्वायल फोर्स लगाया, एक्शन का रिएक्शन, तो गन गया पीछे, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, और चाहो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मदद से भी समझ सकते हो। ऐसे समझो, मान लो कि, तो पहले तो मैं इस टॉपिक को लिख लूं पहले, कि सम एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहला एप्लीकेशन है रिक्वायरिंग ऑफ गन। वैसे एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूं, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। रिक्वायरिंग ऑफ गन क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है कि when a bullet is fired from a gun, the gun experiences a backward thrust, a backward
थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स, तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में गन पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, और यही कारण है कि गन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो गन जो है छुटकर पीछे जाके गिर जाएगी। तो रिक्वायलिंग ऑफ, किसी घटना को हम रिक्वायलिंग ऑफ गन कहते हैं कि गन पर जो है पीछे की ओर एक झटका लगता है, एक रिवर्स डायरेक्शन में बुलेट जा रही है आगे तो गन जाएगा पीछे, पीछे की बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, तो उसको दम लगाकर उसको रोक के रखना पड़ेगा, अदरवाइज गन जो है पीछे जाके हाथ से छूट जाएगी और गिर जाएगी। तो व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन एक्सपीरियंसेस ए बैकवर्ड थ्रस्ट, इसी बैकवर्ड थ्रस्ट को हम क्या कहते हैं, रिक्वायलिंग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिक्वायलिंग, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है जरा समझो, जब गन से बुलेट फायर हो रहा है तो गन और बुलेट एक सिस्टम हो गया, ठीक है, ये टू बॉडी सिस्टम हो गया। अब इस टू बॉडी सिस्टम पर कोई तीसरा तो फोर्स लगा नहीं रहा है, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगाएगा तो गन और बुलेट ये जो दो बॉडी मिलकर के सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हमने बताया आपको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो किसी सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम है वो अनचेंज रहेगी। अच्छा ये बताओ, मान लो कि गन है, ठीक है, इसमें एक कैप का है, बुलेट है समझ लो, ठीक है, ये बुलेट है, अब इसको हम ऐसे रखे हुए हैं फायरिंग करने के लिए, ठीक है, ये बताओ अभी हम रखे हुए ऐसे तो इसकी टोटल मोमेंटम क्या है, ये रेस्ट में है ना, तो टोटल मोमेंटम इसकी इनिशियली बिफोर फायरिंग जो है वो तो जीरो है, ठीक है, जीरो है ना, टोटल मोमेंटम इसकी जीरो है बिकॉज द गन इज एट रेस्ट, गन विद द बुलेट, ज्यादा अच्छा होगा कहना कि द लोडेड गन इज एट रेस्ट, so the momentum of this loaded gun is zero initially, after firing होगा क्या कि after firing भी इसकी total momentum को zero होना पड़ेगा, तो after firing होता क्या है कि bullet गया आगे, bullet गया ये आपका आगे की ओर, ठीक है, bullet जब आगे की ओर गया तो bullet ने एक momentum acquire कर ली इस direction में, ठीक है, तो बुलेट के पास कुछ मोमेंटम आ गया इस, मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है, जबकि टोटल मोमेंटम यानी कि इस गन की और बुलेट की टोटल मोमेंटम को अब भी जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मत भूलना, तो उस बुलेट की मोमेंटम पॉजिटिव थी कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो गन जब रिक्वायर करेगा रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो गन की जो मोमेंटम है वो नेगेटिव होगी, और इसकी नेगेटिव मोमेंटम, गन की नेगेटिव मोमेंटम और बुलेट की पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों का सम जो होगा फिर भी जीरो ही होगा, ठीक है, तो ऐसा तभी होगा जब गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए और किसी डायरेक्शन में नहीं, तभी ये पॉसिबल होगा, इसीलिए गन जो है रिक्वायर करती है। तो गन के रिक्वायरिंग की घटना को आप ऐसे भी समझ लो, न्यूटन के एक्शन रिएक्शन के तरीके से भी समझ सकते हो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में भी समझ सकते हो, कि चूंकि टोटल मोमेंटम जो है लोडेड गन की बिफोर फायरिंग जीरो थी तो इवन आफ्टर फायरिंग इसे जीरो होना पड़ेगा। अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर के तो गन को जो अनलोडेड है अब बुलेट से डिटैच हो गया, तो जो गन है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में रिक्वायर करना ही होगा तभी, ताकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो और इसका मोमेंटम नेगेटिव हो, ताकि उस पॉजिटिव बुलेट की मोमेंटम को और इसका नेगेटिव मोमेंटम दोनों का सम नेट मोमेंटम जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम जीरो थी तो आफ्टर फायरिंग भी जीरो होना पड़ेगा। तो मान लो कि ये तो तुम समझ गए, अब मान लो कि ये रहा गन, ठीक है, और इस गन से एक बुलेट फायर किया गया, ये गन से एक बुलेट फायर किया गया, ट्रिगर दबा दिया और एक बुलेट इसमें से निकल गई, ये बुलेट निकल रही है, ये बुलेट निकल गई और ये बुलेट फायर हो गई, ठीक है, तो ये रहा गन आपका, तो गन का कुछ मास होगा, मान लो कि गन का मास, चूंकि गन बड़ा है तो इसको बड़े एम से दिखाओ, कैपिटल एम से, और बुलेट चूंकि लाइटर है छोटा है इसके मास को आप स्मॉल एम से डिनोट करो, ठीक है, तो बुलेट मान लो कि फायरिंग के बाद वी वन वेलोसिटी से जाती है, मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो है वी है, स्मॉल वी वेलोसिटी से मान लो कि ये बुलेट जा रही है, ठीक है, तो गन जो होगा, गन रिवर्स डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से, मान लो कि ये V1 वेलोसिटी से बुलेट जा रही है आगे और V2 वेलोसिटी से गन जो है रिक्वायर कर रहा है पीछे डायरेक्शन में जा रहा है, तो टोटल मोमेंटम इनिशियली कितना था, बिफोर फायरिंग कितना था, जीरो था, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है
ये कितना है, जीरो है, तो इवन आफ्टर फायरिंग जीरो होना पड़ेगा क्योंकि बाहर से कोई तीसरी एजेंसी ने फोर्स नहीं लगाया इस गन बुलेट सिस्टम पर। तो पी फाइनल क्या हुआ, फाइनल मतलब आफ्टर फायरिंग, दिस इज इक्वल टू, बल्कि वेक्टर फॉर्म में कहो ज्यादा अच्छा होगा, तो वेक्टर फॉर्म में पी फाइनल जो होगा दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल एम वी, ले लो इसको भी ले लो तो वेक्टर फॉर्म में, इसको भी वेक्टर लो तो इसको एम वी वन हो जाएगा, मोमेंटम किसका, बुलेट का। ठीक है, पहले मैं लिख ही लूंगी इसको यहां कि पी बुलेट यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना, दिस इज इक्वल टू एम मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ये पी गन कितना होगा, तो मास ऑफ द गन कैपिटल एम इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन v2, इसको माना है ना v2, तो ये हो गया आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 हम कहते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, तो एज नो एक्सटर्नल एजेंसी, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन गन प्लस बुलेट सिस्टम, सो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, यानी कि मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम, ध्यान देना गन और बुलेट दोनों का नेट टोटल मोमेंटम, वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के बराबर, लेकिन इनिशियल मोमेंटम तो जीरो थी, तो दिस इंप्लाइज ये जो फाइनल मोमेंटम जो हमने लिया है mv1 प्लस कैपिटल mv2, जहां v2 जो है गन की वेलोसिटी है, कैपिटल m जो है मास ऑफ द गन है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि mv2 इज इक्वल टू माइनस mv1। ठीक है, जिसका अर्थ यह हुआ कि v2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ द गन, मेरा मतलब रिक्वायरिंग वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी इक्वल टू माइनस mv1 अपॉन कैपिटल m होगा। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके न सिर्फ हमने ये साबित कर दिया कि गन विल रिक्वायर, बट गन की जो रिक्वायरिंग वेलोसिटी है उसके लिए एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन कर लिया इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द बुलेट, इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ द गन एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कभी बोट में सवार हुए हो? ठीक है, तुम लोग के यहाँ नदी उदी तो पाई नहीं जाती है, इधर आसपास में कभी बोट में यदि गए हो तो बोट से जब तुम किनारे जंप लेते हो, मान लो कि बोट से तुम कहीं गए और शोर पर जाकर के तुम्हें उतरना है, तो तुम क्या करते हो, जंप लेते हो आगे की ओर। जब तक तुम बोट में थे और बोट किनारे लगी है, तो बोट जब तक किनारे आकर लगी है अभी तुम जंप नहीं लिए हो, तो तुम और बोट मिल करके जो एक सिस्टम बना रहे हो, तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है क्योंकि अभी तुम जंप लिए नहीं हो, लेकिन तुम्हें उतरना है किनारे, शोर पर उतरना है। ठीक है, बोटे पर थोड़ी बैठे रहना है, तो जब तुम जंप लोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कुछ रफ्तार आएगी तुम्हारे पास, कुछ वेलोसिटी गेन करोगे, तो तुम्हारे पास कुछ मोमेंटम होगी, तो तुम कुछ मोमेंटम गेन करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मत भूलो कि तुम और बोट जो है वो एक सिस्टम थे। ठीक है, जब तक तुम जंप नहीं किए थे तो उस सिस्टम की मोमेंटम कितनी थी, जीरो थी, क्योंकि किनारे बोट लग गया, बोट अभी रेस्ट में है, तुम भी रेस्ट में हो, अभी तुम जंप लेना चाहते हो अभी लिए नहीं हो, तो तुम्हारी और जो बोट है दोनों की जो नेट मोमेंटम है वो जीरो है क्योंकि रेस्ट में है सारा सिस्टम। अब जैसे ही तुम किनारे की ओर उतरने के लिए तुम जंप लोगे, तो बोट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्यों एक्सपीरियंस करती है, यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तुम चाहो तो एक्शन के रिएक्शन के रूप में समझ सकते हो, पढ़ते भी आए हो, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूप में हम कैसे बात करेंगे इसकी, हम कहेंगे कि जब तुम बोर्ड से जंप लेते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो तुम मोशन में आ गए, यानी कि तुम्हारी बॉडी के पास कुछ मोमेंटम आ गया, जो कि पहले शून्य था वो अब कुछ मोमेंटम हो गया। ठीक है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम को अगर पॉजिटिव मान ले हम,
तो टोटल मोमेंटम को तो जीरो होना पड़ेगा। टोटल मोमेंटम मतलब तुम्हारी मोमेंटम और प्लस बोर्ड की मोमेंटम, जो पहले भी जीरो थी तो अब भी जीरो होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अब तो तुम्हारी मोमेंटम जीरो तो है नहीं, तुम्हारी मोमेंटम तो कुछ पॉजिटिव हो गई, तो बोट जो है रिवर्स डायरेक्शन में एक वेरी स्मॉल वेलोसिटी से, स्मॉल स्पीड से मूव कर जाती है और उसकी वजह से उसके पास भी मोमेंटम आ जाती है। बोट की मास काफी ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन मोमेंटम जो है उतना ही होगा जितना तुम्हारे पास, जितना तुमने गेन किया था, ठीक है। इसीलिए बोट जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाती है ताकि उसका नेगेटिव मोमेंटम और तुम्हारा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंटम है, इन दोनों का जो वेक्टर सम है, वो वेक्टर सम फिर भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए जब तुम बोट में रेस्ट में थे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द टोटल मोमेंटम विच वॉज इनिशियली जीरो व्हेन यू जंप टुवर्ड द शो, द बोट गेट्स ए रिवर्स फोर्स, एक्सपीरियंसेस रिवर्स फोर्स एंड बोट मूव्स इन रिवर्स डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जितना तरह का रॉकेट वगैरह फायरिंग किया जाता है, रॉकेट वगैरह जितना उड़ाया जाता है, तो इसके पीछे भी क्या है राज। तो रॉकेट से जो पीछे फ्यूल टैंक होती है, रॉकेट में क्या होता है 75-80% तो समझ लेंगे फ्यूल होता है, ठीक है। वो फ्यूल को जब बर्निंग करी जाती है तो बर्न्ड गैसेस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलती है बहुत तेजी के साथ, तो बर्न्ड गैसेस का कुछ मास होगा वेरी हाई वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब फ्रॉम द टेल पार्ट ऑफ द रॉकेट जब बाहर की ओर एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है, तो उनके पास मोमेंटम होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले तो क्या था कि रॉकेट और उसके अंदर का फ्यूल टैंक, फ्यूल सब कुछ रेस्ट में था, तो उसकी टोटल मोमेंटम जो है वो जीरो थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बाहर से किसी ने रॉकेट पर तो फोर्स लगाया नहीं, ठीक है। रॉकेट के अंदर जो भी जब फ्यूल को वो एक्सप्लोड किया गया, उसके बाद जब बर्निंग हुई, एग्जॉस्ट गैसेस बने, तो वहां जो भी फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो सभी इंटरनल फोर्सेज हैं, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि यहाँ पर फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फोर्सेज आर इन्वॉल्व, बट All those forces are internal forces. वो internal force है जो exhaust gases को बाहर की ओर propel कर रही है, rocket से tail portion से बाहर निकलने के लिए, downward direction में जाने के लिए मजबूर कर रही है। वो force internal force है। जब तक बाहर से कोई force नहीं लगता, external force जब तक नहीं लगता, ठीक है, तब तक टोटल मोमेंटम को कंजर्व रहना पड़ेगा। तो टोटल मोमेंटम, रॉकेट, फ्यूल, सारा सिस्टम जो है पहले से तो जीरो था, तो इवन आफ्टर ब्लास्टिंग ऑफ द फ्यूल, आफ्टर एक्सप्लोडिंग ऑफ द फ्यूल, जो भी है जब एग्जॉस्ट गैसेस निकले, तो इवन आफ्टर, और उसके बाद जब रॉकेट आगे की ओर बढ़ेगा, ऊपर की ओर, तो तब भी क्या होगा, टोटल मोमेंटम को जीरो रहना पड़ेगा। तो जब एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ी तेजी के साथ जब जाती हैं, तो होता क्या है कि इन ऑर्डर टू कंजर्व द टोटल मोमेंटम, इन ऑर्डर टू मेक द टोटल मोमेंटम जीरो, द रॉकेट गेट्स ए थ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड सो इट बिगिंस टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्यों भाई, तो टेल पोर्शन से एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, उनके पास मोमेंटम होगा, अगर उस मोमेंटम को हम पॉजिटिव मान लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जॉस्ट गैसेस के पास जो मोमेंटम है, ठीक है, तो रॉकेट की जो बॉडी अभी बच गई, ठीक है, फ्यूल निकलने के बाद, जितना फ्यूल निकल गया उसके बाद, ठीक है, तो उस मास को क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी मोमेंटम निगेटिव हो जाए, और उस रॉकेट की निगेटिव मोमेंटम और एग्जॉस्ट गैसेस की पॉजिटिव मोमेंटम, दोनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्टिल जीरो। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करना है, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल क्या लिया हमने, दूसरा एग्जांपल में व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ ए बोट, तो पहला एग्जांपल तो ये हो गया रिकॉइलिंग वाला। दूसरा जो कॉमन एग्जांपल है वो है कि when a man jumps out of a boat, the boat slightly moves away from the shore. The boat out of a boat towards the shore. The boat slightly moves away from the shore. इसको समझाने वाला काम हमने कर दिया है।
ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो तीसरा एग्जांपल क्या हुआ भाई, तो रॉकेट एंड जेट प्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तीसरा रॉकेट एंड जेट प्लेन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दो तीन कुछ एग्जांपल्स हुए, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। मान लो कि एक बॉम्ब का गोला है, ठीक है ना, मान लो कि दिवाली चल रही है और दिवाली में तुम पटाखे जला रहे, आलू बम लिए, आलू बम में वो पलते में आग लगा दिए, तू आलू बम में आग लग गई और वो ब्लास्ट कर गया। मान लो कि आलू बम के दो टुकड़े हुए, ठीक है, तो एक टुकड़ा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना, पूर्व दिशा में जाएगा ना, तो दूसरा टुकड़ा ठीक और ठीक पश्चिम दिशा में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि एक बॉम्ब को जब तुम आग लगाते हो तो उसके तुम गिन नहीं सकते कितने टुकड़े होंगे, ठीक है, उसके 50 सैकड़ों टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन एक बात जान लो, बॉम्ब में जब तुम पतीले में आग लगाया तुम उसके, ठीक है, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया हो, ठीक है, अंदर में केमिकल रिएक्शंस हुए, जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स थे उनमें केमिकल रिएक्शंस हुए, और वो सडन रिएक्शन होने की वजह से वहां पर जो गैसेस फॉर्म हुए, उस गैस की प्रेशर से वो क्या हुआ, जो भी सिस्टम था वो ब्लास्ट कर गया और उसके 50 टुकड़े हो गए, सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो जो भी उसके डिफरेंट पीसेज हुए, तो आफ्टर द एक्सप्लोजन उन सभी डिफरेंट पीसेज की मोमेंटम जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होगी, उन सबका वेक्टर सम फिर भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आलू बम या जो भी पटाखा था, जो भी बम था, वो उसकी टोटल मोमेंटम जो है पहले से जीरो थी, वो रेस्ट में था, रेस्ट में रखा हुआ था, ठीक है। तो इवन आफ्टर द एक्सप्लोजन उसके जो पीसेज होंगे, उसके जो फ्रैगमेंट्स होंगे, वो इस तरह से मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मोमेंटम्स के साथ, कि उन सभी इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स के इंडिविजुअल मोमेंटम्स का जो वेक्टर सम होगा, दैट विल स्टिल बी जीरो, बिकॉज initially the bomb was at rest, the entire system entire fragment was a system in the form of bomb which was initially at rest, to total momentum ko even after the explosion zero hona padega, ठीक है। तो फ्रैगमेंट्स जो है इस तरह से अपने को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे मूव कराते हैं कि उन सभी फ्रैगमेंट्स की मोमेंटम का, इंडिविजुअल मोमेंटम का, मोमेंटम्स का वेक्टर सम जो होगा वो फिर भी जीरो हो जाए, ठीक है। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग कल करेंगे, तो अभी के लिए कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, उम्मीद है आप इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ठीक से समझ गए होंगे, कोई डाउट हो पूछ लेना। और अब आपका फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ 5th चैप्टर, ओके, थैंक यू।